से धोखा यूपी औरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसा रेसिपी बनाएंगे जो गांव देहात में बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है। ज्यादा में ज्यादा बोले उतना भी कम है जितना वो फेमस रेसिपी है। तो रेसिपी बनाएंगे हम एक नए और देसी अंदाज में। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं किचन की ओर, हम और आप मिलकर नए अंदाज में रेसिपी बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। हाँ, लाल बटन को थोड़ा टुनटुना दीजिएगा देसी अंदाज में। रेसिपी बनाने के लिए सामान ले आए हैं तो पहले हम इसमें देसी अंदाज में आग धनकाएंगे। दोस्तों जब आग धनकेगा तो उसमें से दम ताव निकला और ताव पर हम रेसिपी बनाएंगे देसी अंदाज में। तो सबसे पहले हम आग धनकाते हैं, चाय बार लेते हैं। गोईठा धनकेगा जो हम रेसिपी बनाएंगे, झटझट जाके सामान पट पट ले आते हैं। बनाएंगे तो सामान दिखा देते हैं और साथ में सामान को तैयारी भी कर लेंगे। दोस्तों ये हम आटा ले लिए हैं, गेहूं का आटा है, शुद्ध आटा है। और साथ में जो हम रेसिपी बनाएंगे, बैगन जो पक रहा है उसका हम चोखा बनाएंगे और हम सत्तू भर का लिट्टी बनाएंगे बिहारी स्टाइल में। तो लिट्टी बनाने के लिए क्या क्या सामान लाए हैं सो सामान देखिए। कटा हुआ प्याज है, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ मिर्ची, धनिया हरा, मंगराई, अजवाइन, अदरक, ये नींबू है जो चटपटा के लिए हम डालेंगे। और हम चोखा में डालेंगे टमाटर, हरा मिर्च, लहसुन का गांठ ले लिए हैं, धनिया का पत्ता है और ये सत्तू है। इस सब का हम रेसिपी बनाएंगे एकदम बिहार का फेमस लिट्टी एंड चोखा बिहारी स्टाइल में। तो दोस्तों जब तक मेरा बैगन पक रहा है तब तक हम सत्तू मिक्स कर लेते हैं। तो ये हम सत्तू ले लिए हैं, तो सत्तू हम ये कटोरा में डालेंगे। इसमें जो हम मसाला काटे हुए हैं, लहसुन, प्याज, मिर्चाई, धनिया पत्ता, ये अदरक है, अजवाइन, मंगरेला डाल दिए हैं। तो दोस्तों मंगरेला तो डाल दिया, अब हमें नेमो का रस डालेंगे। तो नेमो को हम एक प्लेट में काट के रस निकाल लेते हैं और बिया को हटा के हम डालेंगे। नेमो डालने से दोस्त ये होता है, लिट्टी बहुत ही खुशबूदार और चटपटा होता है और हर प्रकार के स्वाद जाएगा आपको मुंह में और कहिएगा वाह क्या लिट्टी है, बिहार के फेमस से फेमस, क्या बोले दोस्तों, प्रसिद्ध है पूरा ऑल इंडिया में लिट्टी एंड चोखा। हम दो नेमो डालेंगे दोस्तों, दो नेमो डालने से होता थोड़ा ज्यादा खट्टा होगा, खट्टा लगेगा सत्तू में लिट्टी में तो मस्त लगेगा खाने में, एक के जगह छह खा लेंगे। तो हम सारे इसी तरह से रस गार लेंगे। दोस्तों रस गार लिए हैं तो हम इसमें से बिच्चा जो है सो हम बीज को निकाल लेते हैं। बीज नहीं रखेंगे, बीज तीता होता है तो बीज नहीं रखाएगा, सिर्फ हम इसका रस रखेंगे। तो रस है तो हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही हम सरसों तेल भी मिला देंगे दो ढक्कन, तेल डालने से अच्छा लगता है। उसके बाद हम स्वाद अनुसार दोस्तों स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक डाल दिए हैं तो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हम मसाला डाले हैं वो पूरे सत्तू में मिक्स हो जाए। हल्का पानी भी डालेंगे, पानी ज्यादा हमको नहीं डालना है, भुरभुरा टाइप में हमको बनाना है। दोस्तों इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मेरा सत्तू तैयार हो गया है, न हम ज्यादा इस गीला किए हैं और न ही ज्यादा सूखा रखे हैं। दोस्तों मेरा ऑलरेडी सतुआ तैयार हो गया है। तो हम बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा मिक्स करेंगे।
दोस्तों हम टमाटर भी डाल दिए हैं बैंगन के साथ साथ, टमाटर पक रहा है तब तक हम बाटी के लिए आटा मिला लेंगे। तो आटा में हम क्या क्या डालेंगे तो दिखाते हैं दोस्तों। हम आटा में ये बेकिंग सोडा रखते हैं, खाने वाला है। उसके बाद हम एक चम्मच सोडा रखेंगे, आधा चम्मच के करीब में, आटा के अनुसार रखिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्का नमक डालेंगे, हल्का ही, ज्यादा नहीं चाहिए। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमको कारा आटा सानना है, गीला नहीं सानना है, ना ज्यादा नरम होना चाहिए और ना ज्यादा कारा, एकदम मीडियम साइज में, ताकि लिट्टी मेरा सॉफ्ट हो और फुला फुला हो। तो इसी तरह से हम आटा सानेंगे। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे न खैलस पैलस धोखा, यूपी अउरी बिहार में। दोस्तों बिहार में अगर पहली बार आइएगा तो लिट्टी चोखा जरूर खाइएगा, अगर नहीं खाइएगा तो पछताइएगा, यही से खाइएगा जरूर। और मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। तो चलिए, मेरा आटा सना गया है और बैंगन भी मेरा पक गया है, तो बैंगन निकाल लेते हैं। टमाटर भी निकाल लेते हैं, टमाटर भी पक गया है, बैंगन भी पक गया है, एक लहसुन का गांठ जो हम पकाए थे वो भी पक गया है। तो दोस्तों बैंगन पक गया था, हम फटाफट से लिट्टी में सत्तू भर के तैयार कर लेते हैं। आटा में सत्तू भरेंगे तो पहले आटा को हम लोई बना लेते हैं। लोई बना के हम इसको कटोरी के तरह करेंगे। इसमें हम सत्तू भरेंगे। तो लिट्टी हम गोल गोल भर लिए हैं तो रखते हैं। इसी तरह से हम दूसरा लिट्टी भी भरेंगे। इसी तरह से हम तीसरा लिट्टी भी भरेंगे। लिट्टी भर के तैयार कर लिए हैं तो हम पहले अब चोखा बना लेते हैं। जो मेरा बैंगन टमाटर पका हुआ है तो हम बैंगन को इस तरह से छीलेंगे। दोस्तों बैंगन पका हुआ बैंगन का चोखा बहुत ही स्वादिष्ट और जबरदस्त होता है, गर्म है। अगर हाथ पके तो पानी लगा लगा कर इसका छिलका उतारेंगे, फिर पानी लगा लगा कर उतारेंगे ताकि हाथ में नहीं चिपकेगा और गर्म पकेगा भी नहीं। दोस्तों इस तरह से हम कर लिए, लेकिन इसमें फिर भी हमको चेक करना है, अगर कहीं सारा उरा निकल जाए तो इस तरह से देख लिए नहीं है तो हम इसको कटोरी में रखेंगे। और ये डंटी को हम इस तरह से, गर्म है, पानी लगा लगा कर हमको इसको करना है इस तरह से। इसी तरह से हम ये भी बैंगन डालेंगे। सारे बैंगन को इस तरह से छुड़ाएंगे। बैंगन बहुत अच्छा पक गया है तो हम इसमें इसको इस तरह से निकाल लिए। दोस्तों टमाटर को हमें इस तरह से छिलका छुड़ाएंगे और मट्टी राख लग जाता है आग पर पकने के बाद, इस तरह से एक बार डुबाइए, ऐसे चिकना हो गया, और इसमें साथ में डाल लीजिए, साथ में डालिए। इसी तरह से हम सारे टमाटर को भी, दोस्तों टमाटर बैंगन छील लिए हैं तो हम लहसुन में से भी निकाल लेते हैं। लहसुन जो हम पकाए थे काला हो गया था तो इस तरह से हमको जावा निकालना है और पानी से हम इसको धो लेंगे। धोने के बाद ये फ्रेश हो जाएगा, इसे ऐसे में काला काला दिखता है, राख लगा हुआ है तो इस तरह से हम निकालेंगे। तरह से हम पानी में धो लिए तो साफ हो गया, इसमें डालते जाएंगे। तो सारे लहसुन हम छोड़ा लिए हैं, देखिए धो दिए कितना फ्रेश हो गया है। तब हम इसमें धनिया पत्ता और हरा मिर्च काट के डालेंगे, डाल देते हैं। तो हम प्योर देसी तरीका से चोखा बना रहे हैं, अब हरा मिर्च काट के डालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, जबरदस्त भी बनेगा। दोस्तों मिर्ची डाल दिए हैं तो हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल डाल दिए हैं तो हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल दिए हैं दोस्तों तो हम इसको
नहीं मिक्स करेंगे, छुरली से मिक्स करेंगे ताकि सारा बैंगन जो है टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों हम चोखा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, तो अब हम प्याज डालेंगे। पहले प्याज इसलिए नहीं डाले था कि प्याज कुचा जाएगा तो खाने का किरकिरा और मजा जो होता है सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों तो अब ऊपर से डाल के मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हमें मिलाएंगे नहीं, इसको इस तरह से हल्का मिला के छोड़ देंगे ताकि प्याज जो हम बारीक काटे हैं वैसे ही रहे और खाएंगे तो मुंह में कुरकुर प्याज करेगा। दोस्तों मेरा चोखा तैयार है, तो चलिए हम लिट्टी सेकते हैं। दोस्तों तो हम लिट्टी सेकते हैं बिहारी स्टाइल में। सब लिट्टी को हम इसी तरह से बिछाएंगे इस पर, तो इस तरह से हम बिछा देंगे ताकि सब बारीकी से सीज जाए। इसी तरह से बिछा कर सिझाएंगे, राख भी नहीं लगेगा लिट्टी में और सुंदर सुंदर लिट्टी बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद पलटेंगे। दोस्तों मेरा लिट्टी बन के तैयार हो गया है, तो हम थाली में सबको निकाल लेते हैं। गरम है, लिट्टी निकाल लिया है, तो हम इसको चलिए बिहारी स्टाइल में साफ करेंगे। लिट्टी तो हम बना के तैयार कर लिए, तो इसको हम साफ करेंगे बिहारी और देसी स्टाइल में। दोस्तों देखिए हम किस तरह से लिट्टी को साफ करेंगे। मेरे लिट्टी कम टाइम में सब लिट्टी साफ हो जाएगा एक ही बार। तो हम इसको हम गमछा पर धर लिए हैं, इस तरह से इसको हम मोड़ेंगे, इस तरह से इधर से हम इसको थोड़ा लपेट लेंगे, फिर इसको लपेटेंगे। मेरा लिट्टी साफ हो रहा है दोस्तों, एक ही बार में मेरा लिट्टी सारा लिट्टी साफ हो जाएगा। दोस्तों देखिए लिट्टी कितना क्लीन और सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसको थाली में रख लेते हैं और सुंदर सुंदर चिकना चिकना लग रहा है देखने में। दोस्तों लिट्टी जो है कम्प्लीट कर लिया था, हम लिट्टी में घी लगाते हैं। घी लगाने से बहुत ही सॉफ्ट होगा और नरम और खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा। पापा से घी पसंद, आपको अगर घी पसंद नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगाया जाता है। दोस्तों सारे लिट्टी में हम घी लगा लिए हैं, तो चलिए लोगों को खिलाते हैं। तो सब में हम लिट्टी परसेंगे, परस लेते हैं। दोस्तों सब में हम परस लिए हैं, तो लोगों को खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। लिट्टी चोखा बहुत ही परिश्रम और मेहनत से हम बनाए हैं, लोगों को खिलाए हैं, लोग सब बड़ी चाव से खा रहे हैं। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अंदाज में बिहारी स्टाइल में। तब तक के लिए बाय बाय।